सो हेलो एंड वेलकम टू द मार्केट ग्रीक्स एवरीवन। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनालिसिस यस बैंक का। तो आज हम यस बैंक के बारे में जानेंगे कि यस बैंक की हिस्ट्री क्या है, कब वो फाउंड हुआ था, उसका बिजनेस स्ट्रक्चर क्या है, कैसे जो है यस बैंक का ऐसा स्टॉक जो कि दलाल स्ट्रीट पर काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था पर अब एक बुरी तरीके से बीटन स्टॉक है मार्केट के अंदर, तो उसके पीछे क्या रीजंस हैं, वो सारी चीजें जो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हमने इस वीडियो में अच्छे से फंडामेंटल एनालिसिस किया है यस बैंक का और लास्ट में खुद के व्यूज भी जो है मैं एक्सप्रेस करने वाला हूँ यस बैंक के ऊपर। सो प्लीज पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो यस बैंक वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर राणा कपूर एंड मिस्टर अशोक कपूर इन 2004। दीज बोथ वर गुड बैंकर्स इन देयर पास्ट हिस्ट्री। They have worked for the big banks like Greenlays, and they decided to found a NBFC in the 1999, and then they registered the bank as a Yes Bank, and then in 2004 it got approval also from the RBI, and the Yes NBFC was now established as a Yes Bank in 2004. And then on 2005, Yes Bank was listed on the BSE and NSE with the issue price of just 45 rupees. So now let's talk about the business of the Yes Bank, the business structure of the Yes Bank. So Yes Bank is a major corporate lender. What does that mean is that Yes Bank, आपको या मुझे जब हम लोन लेने जाएंगे तो हमें बड़ा अमाउंट लोन में नहीं देगा, बट वो जो बड़ा अमाउंट है लोन का वो हमेशा देगा कॉरपोरेट, जो कॉर्पोरेट्स हैं बड़ी बड़ी उनको। तो 65.67% एज द डेटा जो मुझे मिला है उसके अकॉर्डिंग 65.67% अपने टोटल अमाउंट का लोन जो है वो कॉर्पोरेट्स को देता है और रिमेनिंग 34.4% समथिंग जो है रिटेल लेंडर्स को देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यस बैंक की एक जो बड़ी इनकम है वो सिंडिकेट बैंकिंग से आती है। सिंडिकेट बैंकिंग मतलब समझिए, देखिए कि अगर आप किसी को पैसे उधार देना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसा है और आप चाहते हैं कि मैं उधार दूं और कोई सामने वाले, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसा आपसे उधार लेना चाहते हैं, तो यस बैंक क्या करता है कि जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनकी फाइल्स खुद के पास रखता है और जो लोन देना चाहते हैं उनकी भी फाइल्स अपने पास रखता है और जो परफेक्ट मैच होते हैं एक दूसरे के लिए उसको एक दूसरे से मिलाता है कि आपको इतने इंटरेस्ट रेट पर इतने साल के लिए इतना लोन चाहिए, तो ये पर्टिकुलर जो लेंडर है वो आपके लिए एकदम सही है। और लेंडर को भी सेम चीज कि आप अगर इतना पैसा लेंड करना चाहते हैं तो ये बोरोवर जो है आपके लिए एकदम परफेक्ट है, तो इस तरीके से मैचिंग करता है। तो ये सिंडिकेट बैंकिंग होती है। तो यस बैंक का एक जो मेजर इनकम का पोर्शन है वो सिंडिकेट बैंकिंग से आता है। उसके अलावा यस बैंक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर भी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस के अंदर है, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर है, रिटेल बैंकिंग डेफिनेटली करता है। जैसे कि मैंने बताया 34.4% अपना टोटल अमाउंट का जो लोन है वो रिटेल सेक्टर के अंदर देता है। तो ये यस बैंक का है जो बिजनेस स्ट्रक्चर है। मींस यस बैंक जो है किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे उसकी इनकम डिपेंड नहीं करती। डिफरेंट डेफिनेटली मेजर जो है वो लेंडिंग से ही वो इनकम अर्न करता है, पर दूसरे सोर्सेज भी हैं इस बैंक के पास अर्न करने के लिए। नॉर्मली मोस्ट ऑफ द बैंक्स जो है डाइवर्सिफाइड फील्ड में ऑपरेट करते हैं, पर यस बैंक सिंडिकेट बैंकिंग के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। अब यस बैंक के बारे में हम जानते हैं कि यस बैंक के साथ हुआ क्या। तो 2008 के अंदर व्हेन द सडन इवेंट हैपन इन द इंडिया 26/11 के जो अटैक्स हुए थे मुंबई में, सो मिस्टर अशोक कपूर जो है उसके अंदर ही वॉज किल्ड बाय द टेररिस्ट इन दोज इवेंट्स अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद जो है यस बैंक का कंट्रोल मेजरली मिस्टर राणा कपूर के पास ही था बिकॉज ही वॉज द को फाउंडर विद मिस्टर अशोक कपूर। सो द थिंग्स गेटिंग स्टार्टिंग बैड फॉर द यस बैंक इन द ईयर 2012 इटसेल्फ। 2012 के अंदर मिस्टर राणा कपूर हैज इशूड, उन्होंने एक बुकलेट इशू किया था जिसके अंदर उन्होंने हिस्ट्री बताया था यस बैंक का, और उस हिस्ट्री के अंदर उन्होंने एक बार भी नाम मेंशन नहीं किया मिस्टर अशोक कपूर का। तो और उसके साथ साथ में जो है उन्होंने कुछ न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था, और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट था उसके बारे में उन्होंने मिस्टर अशोक कपूर की फैमिली से जो है बिल्कुल डिस्कस नहीं किया, उनको बताया भी नहीं, उनसे पूछा भी नहीं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अपॉइंट कर दिए। तो मिस्टर अशोक कपूर की जो वाइफ है उनका नाम मैं आपको बताऊं मिसेस मधु कपूर, तो उन्होंने जो है कोर्ट में अपील करी कि ये गलत है, एटलीस्ट मुझे या मेरी डॉटर शगुन को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर एक प्लेस तो जरूर मिलनी चाहिए। सो डेफिनेटली कोर्ट सिस्टम को थोड़ा टाइम लगा, और 2015 के अंदर जो है
कोर्ट का जजमेंट आया और उन्होंने कहा कि मिस्टर शगुन एंड मिस्टर मधु मिस मधु सॉरी मिस मधु एंड मिस शगुन मस्ट बी अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द बैंक एंड ऑल्सो उन्होंने ये भी साथ में मेंशन किया कि सम डायरेक्टर्स जो अपॉइंटमेंट हुआ है 2012 में कुछ डायरेक्टर्स का वो जो पूरी तरीके से इलीगल है इसलिए उनको हटा दिया जाए। तो ये भी कोर्ट का एक जजमेंट आया और 2015 के अंदर चीजें और खराब हुई यस बैंक के लिए। चीजें कैसे खराब हुई, 2015 के अंदर आरबीआई ने असेट क्वालिटी रिव्यू किया। असेट क्वालिटी रिव्यू होता क्या है एक्चुअल मैं आपको बताता हूँ। मैं हर बैंक एडवांसेस देता है, लोन्स देता है और उनमें से कुछ लोन्स जो होते हैं वो सही से काम नहीं करते, मतलब उनसे जो है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का पेमेंट आना बंद हो जाता है। जैसे कि मैंने आपसे पैसा लिया और मैं आपको अब चुका नहीं रहा हूँ वो पैसा, तो वो जो है एनपीएस होते हैं। हर साल बैंक्स को जो है ये एनपीए रिपोर्ट करना होता है आरबीआई के साथ। हर साल ये एनपीएस जो है बैंक को रिपोर्ट करना होता है आरबीआई के साथ एवरी ईयर अपने, और ओपन स्टेटमेंट भी देना होता है हर एक जो भी शेयर होल्डर है उनको भी कि एनपीए जो है हमारे इस साल के कितने हैं वो बताना पड़ता है। ठीक है, तो आरबीआई जब असेट क्वालिटी रिव्यू करता है तो आरबीआई एक और ऑडिट करता है कि चेक करने के लिए कि इस बैंक ने भाई जो एनपीएस बताए हैं क्या वो सही है या नहीं है। तो 2015 में आरबीआई ने असेट क्वालिटी रिव्यू किया और उसमें उन्होंने पाए डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस क्या होते हैं, सपोज कीजिए यस बैंक ने एनपीएस पोस्ट करे 10 करोड़ रुपीज के कि 10 करोड़ रुपए हमने जो लोन दिया था वो लोग चुका नहीं रहे, और आरबीआई जब रिव्यू करता है और उसे मिलता है कि नहीं 30 करोड़ के ऐसे लोन्स हैं जो लोग चुका नहीं रहे, मतलब 20 करोड़ का जो है डाइवर्जन माना जाएगा। तो अब शॉकिंग चीज ये थी कि 2016 के अंदर ये जो डाइवर्जेंस आरबीआई ने पाए वो थे 4,176 करोड़ रुपीस के। तो अब इस अमाउंट से ही अंदाजा लगाइए 4,000 करोड़ रुपए किसी भी बैंक या किसी भी पर्टिकुलर इंसान के लिए एक बड़ी चीज है। तो इतने बड़े डाइवर्जेंस मिले 2016 में। 2017 के अंदर चीजें और खराब हो गई जब आरबीआई को 6,355 करोड़ रुपीस के डाइवर्जेंस मिले। तो ये जो है एक बड़ा ब्लो था यस बैंक के लिए। और मिस मधु कपूर एंड मिस शगुन कपूर का अपॉइंटमेंट होना एज ए डायरेक्टर भी एक बड़ा ब्लो था मिस्टर राणा कपूर के लिए। तो ये दो बड़े झटके जो है यस बैंक ले चुका था अब तक। और फिर एक फाइनल ब्लो जो यस बैंक को मिला वो 2018 में मिला जब मिस्टर राणा कपूर को शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट कर दिया फिर से एज ए डायरेक्टर। तो आरबीआई ने उसे अप्रूव नहीं किया। आरबीआई ने कहा ठीक है हम एक्सटेंशन देते हैं आपको, पर स्टिल जैन 2019 उसके बाद जो है मिस्टर राणा कपूर डायरेक्टर नहीं रह सकते इस बैंक के। और उसके बाद तो इस बैंक की हालत जो है बहुत बुरी तरीके से खराब हुई और स्टॉक मार्केट में बीट हो गया ये शेयर पूरी तरीके से, एकदम इसके शेयर प्राइसेस गिरने लगे। तो ये थी यस बैंक की स्टोरी, क्या रीजंस रहे यस बैंक के राइज और फॉल के अंदर, वो सारी बात हमने करी। अब थोड़ा फंडामेंटल चीजों पे देखते हैं यस बैंक की कि आखिर में यस बैंक का एक्चुअल में परफॉर्मेंस जो है वो कैसा है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं देखना कि यस बैंक का एनपीएस जो है एक्चुअल में कितने हैं। तो हम अगर यस बैंक के एनपीएस देखें तो आप ये देखेंगे कि ये डेटा जो है 2016, 17, 18, 19 एंड 20 का है इस ऑर्डर के अंदर गिवन है। तो यहाँ पर आप एनपीएस देखेंगे ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस, तो देखिए लगातार बढ़े हैं और कितनी बुरी तरीके से बढ़े हैं। 2016 में जो एनपीएस 748 बिलियन के थे उसको आप देखिए 2018.56 बिलियन पे पहुंचे और फिर इंक्रीज होते होते 2019 में जो लास्ट डेटा रिपोर्टेड है, सॉरी 2020 के अंदर जो लास्ट डेटा रिपोर्टेड है मार्च 2020 के अंदर जो लास्ट डेटा रिपोर्टेड है उसके अकॉर्डिंग 32,877.59 बिलियन के जो है एनपीएस रिपोर्ट किए हैं यस बैंक ने। तो ये कितनी ही जो है बुरी बात है, कितनी बुरी तरीके से इसके एनपीएस बढ़े हैं। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब इतने पैसे हैं जो लोगों से यस बैंक मांगता है पर लोग चुका नहीं रहे यस बैंक को। अब हम देखेंगे परसेंटेज ऑफ ग्रॉस एनपीएस एंड परसेंटेज ऑफ नॉन नेट एनपीएस है परसेंटेज ऑफ एडवांसेस के, मैंने कितने लोन दिए और अब उसमें से मुझे कितना नहीं मिल रहा है। तो आप देखेंगे अगर तो किस तरीके से रेशियो बढ़ा है, इस रेशियो का मतलब ये है, इस ग्रॉस एनपीए रेशियो का मतलब ये है कि मैंने अगर 1,000 रुपए दिए एडवांस दिए तो 16.180 का मतलब है मुझे 168 रुपीज लोग लौटा ही नहीं रहे।
तो बड़ा अमाउंट होता है। आप सोच के देखिए खुद की, आप ऐसे 1,000 रुपए किसी को दें और वो 168 रुपीज उसमें से आपको वापस ना मिले, तो एक बड़ा लॉस है डेफिनेटली। तो ये रेशियो आप देखिए कितना सब्सटेंशियली यस बैंक का इंक्रीज हुआ है, मतलब एकदम ही जो है इसका परफॉर्मेंस बकवास रहा है, और इसने जो है एग्रेसिवली लोन दिए, विच वॉज द स्ट्रेटेजी ऑफ मिस्टर राणा कपूर। आई थिंक 2014 से मिस्टर राणा कपूर ने एग्रेसिवली कॉर्पोरेट लेंडिंग स्टार्ट करी थी, जब उनको डेफिनेटली लग रहा था कि वो कोर्ट में केस हारने वाले हैं, और मिस शगुन कपूर और मिस मधु कपूर में से कोई डायरेक्टर डायरेक्टर्स में अपॉइंट हो सकता है, तो उन्होंने बहुत एग्रेसिवली लोन देना स्टार्ट किए थे यस बैंक के बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए और गॉड नोस क्या करने के लिए। पर उन सब के रिजल्ट्स जो है उनको बाद में मिले हैं, और 2020 में आप देखिए एनपीए, ग्रॉस एनपीए का जो रेशियो है उसको देखिए कितना बुरी तरीके से जो गिर चुका है, कितना बढ़ चुका है देखिए, और कितना राइज आया 2019 से 2020 के अंदर अपन देखे, तो डेफिनेटली मतलब ये है कि मैनिपुलेशन तो चल ही रहा था। ये बैंक डेफिनेटली जो है आरबीआई को मैनिपुलेट कर रहा था, क्योंकि आरबीआई रिव्यू करता गया, डिग इन करता गया, और देखिए कितने सारे एनपीए जो उनको मिलते गए, कि जिसकी वजह से एनपीए का परसेंटेज जो है ड्रास्टिकली बढ़ता गया। अब एक और चीज जिसके बारे में हम सेकंड चीज के बारे में बात करेंगे, वो है इस बैंक की इंटरेस्ट इनकम, क्योंकि कोई भी बैंक हो, चाहे वो सिंडिकेट बैंकिंग करता है नहीं करता, पर इंटरेस्ट इनकम ही जो है सबसे ज्यादा मेजर जो है उसका सोर्स होता है इनकम का। तो अब ये देखेंगे आप कि इसकी इंटरेस्ट इनकम जो है डेफिनेटली बढ़ी है, क्योंकि इन्होंने लोन्स दिए हैं। पर अब होता क्या है कि आपने अगर लोन्स दिए हैं तो आपने डिपॉजिट्स लिए हैं लोगों से, और उस डिपॉजिट्स के लोन लिए हैं, तो उन लोगों को भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इतने जो है इन्होंने इंटरेस्ट जो है एक्सपेंड किया, लोगों को दिया है, फिर भी आप देखेंगे कि इसकी इंटरेस्ट इनकम जो है कंसिस्टेंट है और ग्रो ही करती है हमेशा, तो उसके हिसाब से तो है इंटरेस्ट इनकम एक पॉजिटिव पॉइंट आप ले सकते हैं यस बैंक का, कि अच्छा है ठीक है। अब हम बात करते हैं फोर्थ चीज, डेफिनेटली नेट प्रॉफिट तो आपको देखना ही चाहिए किसी भी कंपनी का। तो हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर एक बार इसका नेट प्रॉफिट मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप अगर नेट इनकम देखेंगे यस बैंक की, तो आप देखिए ये 2000 लास्ट जो डेटा अवेलेबल है, आई थिंक 2019 का, उसके अंदर आप देखिए नेट इनकम जो यस बैंक की कितनी बुरी तरीके से नेगेटिव हो गई है, -164.33 बिलियन। दैट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट, 164.33 बिलियन नेगेटिव, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट, और नेट इनकम इनकी इतनी नेगेटिव है। तो ये जो है थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट मैं आपको दिखाता हूँ प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज जो यस बैंक की है। लेट मी शो यू, सो हियर इट इज प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज। ये देखेंगे आप कि प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसीज भी इनकी कितनी बड़ी। अब प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी होता क्या है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। प्रोविजंस एंड कंटिंजेंसी ये होता है, प्रोविजंस आपको तब बनाने पड़ते हैं जब सपोज कीजिए कि आपको डर हो कि फ्यूचर के अंदर मुझे लॉस हो जाएगा, तो ये गाइडलाइंस होती है गवर्नमेंट की, एक रूल है सिस्टम का, कि आप जो है पहले से ही प्रोविजंस बना के रखिए कि आपको अगर लॉस होने वाला है तो प्रोविजन बना के रखिए, और जब वो लॉस एक्चुअल में हो तो उस प्रोविजन के अंदर से उसको सेट ऑफ करें। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझू तो सपोज कीजिए मुझे लगता है कि 100 रुपए का मुझे नुकसान होगा, मुझे मेडिकल क्लेम हो लेना पड़ सकता, हो सकता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मुझे अपना इलाज कराना पड़े, तो उसके लिए मैं 100 रुपये जो है पहले से साइड में निकाल के रख रहा हूँ कि जब मेरा एक्सीडेंट होगा तब मैं इलाज करवा लूंगा। तो आप देखिए कि कितना बुरा परफॉर्मेंस रहा होगा, कितना डर होगा इस बैंक को, कि इसका प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज आप देखिए कितना ड्रास्टिकली बढ़े हैं। 2020 का डेटा तो गजब का ही है, 32,758.43, और लास्ट 2019 का 5,777.56। सो कितना ड्रास्टिकली जो है इसके अंदर चेंज आया है, कितना ज्यादा ये बड़ा है ड्रास्टिकली। तो ये एक और चीज है जो कि डेफिनेटली बहुत ज्यादा खराब है। अब बात क्या है कि यस बैंक का आगे फ्यूचर में क्या परफॉर्मेंस होगा, मेजर पॉइंट वो है, क्योंकि ये सारी बातें तो हमने कर ली कि यस बैंक ने पास्ट में हुआ क्या, पर उससे मतलब नहीं है ना, फ्यूचर में क्या होने वाला है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यस बैंक के लिए। तो देखिए वैसी बात है कि आरबीआई और जुडिशरी सिस्टम जो है दोनों ही लगा हुआ है इस बैंक को रिवाइव करने के लिए, और डेफिनेटली हमने जो इंटरेस्ट इनकम देखी यस बैंक की यहाँ पर, तो इससे एक चीज तो साफ होती है कि इस बैंक के पास बिजनेस तो है। ये बैंक अलग अलग प्रपोजल्स भी लाया, जैसे कि एक एआरसी का प्रपोजल लाया था, असेट रिकंस्ट्रक्शन का प्रपोजल लाया था, जिसके अंदर यस बैंक ने ये बोला था कि हम हमारे कुछ एनपीएस जो हैं अब एक एआरसी सेटअप करके उसको देना चाहते हैं। वो एआरसी क्या करेगी कि अब नॉन परफॉर्मिंग असेट्स है तो या तो उनसे पैसा वसूलो, या फिर जो उन्होंने कॉलेटरल रखी हुई है सप्लाई उसको बेच बेच के जो है वहां से पैसा लाओ। पर आरबीआई ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला कि देखिए आप लोगों ने पहले ही बहुत सारे फ्रॉड करे हैं, तो ना जाने आप
कितने जो है इसके अंदर भी और फ्रॉड कर लेंगे, इसलिए हम आपको इस तरह की कोई एंटिटी सेटअप करने की परमिशन नहीं देंगे। ये यस बैंक की एआरसी मांगा था लास्ट ईयर 2020 में, उसको रिजेक्ट कर दिया था आरबीआई ने। उसके अलावा आपको बताओ तो यस बैंक के अंदर जो है लॉक इन पीरियड चल रहा है, मतलब कि 13 मार्च आई थिंक 2020 से पहले पहले जिन लोगों ने यस बैंक के स्टॉक्स खरीदे वो 75% ऑफ अपना स्टॉक जो है 3 साल तक बेच नहीं सकते। तो डेफिनेटली एक ट्रायल तो चल ही रहा है कि यस बैंक को कैसे ना कैसे करके रिवाइव कर दिया जाए। गवर्नमेंट, आरबीआई सब लगे हुए हैं और इवन ये बैंक खुद भी लगा हुआ है, क्योंकि इसकी इंटरेस्ट इनकम मेंटेन है। मतलब ये इस बैंक के पास कुछ तो है कि अगर 3 साल 4 साल जब तक इसके स्टॉक्स लॉक्ड इन है ये कुछ इंप्रूवमेंट तो दिखाई सकता है। और अभी अगर हम करंट स्टॉक प्राइस देखें तो 14 रुपीज पर है। मतलब मैं अगर 100 शेयर्स खरीदने जाता हूँ तो मुझे 1400 रुपये 1400 रुपीज देने पड़ेंगे, विच इज नॉट अ बिग अमाउंट फॉर अ पर्सन हु इज ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। मतलब इतना तो अमाउंट अपन साइड में रख ही सकते हैं एक खेलने के लिए कि ठीक है यार, इफ समथिंग गोज राइट विद दिस बैंक मुझे ज्यादा बड़ा दुख नहीं होगा। तो मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि बड़ा चंक अपना जो है यस बैंक के अंदर इन्वेस्ट करिए, पर डेफिनेटली ऐसे स्टॉक्स रखना जरूरी है क्योंकि इनकी जो हिस्ट्री रही है वो काफी स्ट्रांग रही है। अब देखिए भले इन्होंने मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर दिया हो, पर स्टार्टिंग से तो नहीं किया होगा, पहले तो इस बैंक ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया ही है। तो एक वो सेंस ऑफ बिलीव होता है कि कभी ना कभी ये बैंक हो सकता है कि टर्न अराउंड कर दे चीजें। आरबीआई जो इसकी हेल्प कर रहा है या ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम जो इसकी हेल्प कर रहा है, जो उन्होंने खुद की बोर्ड सेटअप करके दी है इस बैंक को, तो वो कुछ चीजें बदल दे शायद इस बैंक के लिए। तो इसलिए मेरा सजेशन ये है कि स्मॉल अमाउंट इस बैंक में इन्वेस्ट करके रखिए, तो क्योंकि हो सकता है ये आपका एक प्ले कार्ड निकले ऐसा जो आपको अच्छे खासे रिटर्न दे दे। क्योंकि अगर 14 रुपीज पे मैं इसको बाय कर रहा हूँ और इसने बाई चांस 90 100 का भी जो है हाई लगा दिया, तो रिटर्न्स मेरे बहुत जो सब्सटेंशियल होंगे। वैसे मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये है कि डेफिनेटली ये बैंक आपको निराश तो नहीं करेगा, ये बैंक आपको अच्छा खासा रिटर्न देकर ही जाएगा, ज्यादा बड़ा ना दे पर गुड अमाउंट आपको रिटर्न देगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि ज्यादा नहीं पर एक छोटा सा पार्ट अपना, जितना भी आप अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं उसका 2% से 3% अमाउंट जो है येस बैंक के अंदर डेफिनेटली इन्वेस्ट करिए। सो यही थी सारी बातें येस बैंक के बारे में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज लाइक का बटन दबा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ताकि वो भी समझ पाए कि येस बैंक के साथ उनको क्या करना है और येस बैंक का एक्चुअल में परफॉर्मेंस क्या रहा और वो बैंक ये बैंक जो है पहले इतना अच्छा क्यों था और उसके बाद में इस बैंक के साथ क्या हो गया जो इसकी स्टॉक प्राइस जो है इतनी नीचे आ गई। तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम डेली अपलोड कर रहे हैं मार्केट एनालिसिस की वीडियो, उसके साथ साथ में हम कुछ स्टॉक्स जो कि मार्केट ने बीट कर दिया और पेनी स्टॉक्स बन गए, उन स्टॉक्स के अंदर अब क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं उसकी इन्फॉर्मेशन भी जो आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।